हर वर्ष की तरह इस बार भी 28 फरवरी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर, पूर्व पीएसए प्रोफेसर के विजय राघवन और सभी मंत्रालयों के सचिवों सहित विभिन्न संबंधित पदाधिकारी और गणमान्य मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए वैभव फेलोशिप की शुरुआत की। इस फेलोशिप का उद्देश्य विश्व स्तर की परियोजनाओं और उत्पादों को वितरित करने के लिए स्थानीय विचारों और सर्वश्रेष्ठ डायस्पोरा विचारों के बीच सहयोग स्थापित करना है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत का वैज्ञानिक कौशल अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में भारत की भविष्य की अर्थव्यवस्था को परिभाषित और निर्धारित करेगा। The world is looking up to us. And is looking up to us because we have vindicated ourselves. We have vindicated ourselves with definite markers. In the Global Innovation Index, we have jumped from 81 to 40, all in the recent 3-5 years. In the publications, we have jumped from 6 to 3. In the startup ecosystem, we have emerged number 3. But I said in 2015, when the call was made for Startup India, nobody understood whether it was meant to be started up or meant to be stood up. And therefore, the world is ready to be led by India. And the question is, are we ready to lead? Seeing the confidence of these bright brains sitting in this room, I dare take and gather the courage to say, yes, we are ready. Today is a day of celebration of science, which has touched and shaped our lives over so many years in all aspects. This year's theme, as given by our Honorable Minister, Global Science for Global Well-being, is significant for India in the year of its presidency of G20. And we strive for innovation in science and technology to benefit the entire planet. We have a dedicated department, National Council for Science and Technology Communication, which has been supporting various programs for science promotion through state S&T councils. Not only are we taking science to people and making it popular, but we are also recognizing the efforts of scientists, especially the science communicators, who are engaged in the process. The department has also instituted many awards, which will be presented today on this auspicious day. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोगों की उपस्थिति में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में चयनित विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों के तौर पर प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और पुरस्कार राशि का वितरण किया गया। इनमें 6 अलग अलग श्रेणियों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक विज्ञान और प्रौद्योगिकी अकादमी बेंगलुरु को दिया गया। पुस्तकों और पत्रिकाओं सहित प्रिंट के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संयुक्त रूप से भुवनेश्वर के प्रोफेसर मायाधर स्वाई और तिरुवनंतपुरम के डॉक्टर बीजू धर्मपालन को दिया गया। बच्चों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी लोकप्रियकरण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार इस बार संयुक्त रूप से हैदराबाद के डॉक्टर कृष्ण राव अप्पासानी और नई दिल्ली के डॉक्टर उदय कुमार काकरू को दिया गया। लोकप्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य का भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में और अंग्रेजी में अनुवाद के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए जयपुर के तरुण कुमार जैन को मंच पर आमंत्रित किया गया। नवोन्मेषी पारंपरिक पद्धतियों के माध्यम से उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अगरतला के अंजन बनिक को दिया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान संचारक और फिल्म निर्माता निर्देशक राकेश अंदानिया को दिया गया। This year we have received outstanding science communication award from the honorable minister
This is for our last 5 years work on science outreach program. We have covered entire educational pyramid in the Karnataka, in the sense from high school to the university level, for students benefiting the students studying at various levels. This award which I am receiving today is symbolize the work of the youngsters in this country, and I really love to dedicate this award to the bright minds of the nation and the great citizens of this country. ये प्रयास हमारा लगभग 23 सालों से चल रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में. वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश का एकमात्र हिंदी विज्ञान समाचार पत्र है, और इससे पहले समाचार पत्र का कोई कॉन्सेप्ट भारत में नहीं था. हालांकि मैगजीन कुछ हैं, लेकिन अखबार की अगर कैटेगरी में बात करें तो पहला अखबार वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही आया है, और हम उसको तो पिछले 23 सालों से लगातार तो प्रकाशित कर रहे हैं. राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर शोधार्थियों को प्रोत्साहित करने वाली अवसर प्रतियोगिता को प्रोत्साहन भी एक अहम गतिविधि बन चुकी है. इस बार भी साल 2022 के लिए पोस्ट डॉक्टरल श्रेणी में लोकप्रिय विज्ञान कहानी लिखने वाले शोधकर्ताओं को अवसर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया. पिछले 75 वर्षों में भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के योगदान को समर्पित 3 पुस्तकों का विमोचन भी खास रहा. इनमें DST की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित पुस्तक विज्ञान विदुषी सहित लैंडमार्क अचीवमेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिपेंडेंट इंडिया और वुमेन इंजीनियर्स इन इंडिया जैसी किताबें शामिल हैं.